सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 2019 में Redmi कभी भी कोई भी फोन लॉन्च किया तो उसके अगेंस्ट में Realme भी उसका एक फोन लॉन्च कर दिया। Realme कभी भी कुछ फोन लॉन्च कर रहे हैं तो Redmi भी उसका एक फोन लॉन्च कर रहे हैं। तो इस महीने में 15 तारीख को Realme का एक फोन लॉन्च हो रहा है Realme X, उसके अगेंस्ट में Redmi का भी एक फोन आ रहा है जिसके नाम है Redmi X, उसका कुछ दूसरा भी नाम होगा। तो फिलहाल अभी Redmi X ही हम लोगों के भी मालूम है और इसका कुछ नाम आ रहा है Redmi K20 Pro ऐसा नाम से। तो आज हम जानेंगे Redmi के X के बारे में या Redmi के K20 Pro भी आप बोल सकते हो इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते इस फोन के बारे में। दोस्तों पहले जान लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, क्या है इसके डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले जो होगा 6.36 इंच के FHD प्लस डिस्प्ले होगा और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 19.5:9 और इसका जो पिक्सल डेंसिटी होगा 403, यानी कि अच्छा डिस्प्ले के साथ ये। अभी आते हैं इसके प्रोसेसर को लेकर, इसका प्रोसेसर क्या होगा। इसका जो प्रोसेसर होगा वो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। 855 एक अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर हमको इस फोन में देखने को मिलेगा। और इसका GPU जो रहेगा वो रहेगा एड्रिनो 640, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस तो इसमें फारू होगा, मतलब बहुत ही अच्छा होगा गेमिंग परफॉर्मेंस। गेमिंग को लेकर इस फोन में कोई भी किसी भी तरह का शिकायत नहीं होगा इस फोन में। अभी आ जाते हैं इस फोन के एंड्रॉयड वर्सन को लेकर। इस फोन का जो एंड्रॉयड वर्सन आएगा वो आएगा कुछ एंड्रॉयड 5। इसमें भी क्यू अपडेट आ सकते हैं, मगर देखा जाए तो रेडमी के जब भी कोई फ़ोन आया जो रनिंग रहता है वही एप्लीकेशन आ वही एंड्रॉयड ओएस लाता है, इसमें भी लगता है कुछ आएगा एंड्रॉयड 5। इसके बाद आते हैं इसके कैमरा को लेकर। इस फोन एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होगा, इसके कैमरा भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि रेडमी के कैमरा जो देखते हैं हम लोग अच्छा ही देखते, कभी भी ख़राब नहीं देखते। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro का कैमरा अच्छा है, Redmi Y2 का कैमरा अच्छा है, Redmi के Mi A1 का कैमरा अच्छा था, Mi A2 का भी कैमरा अच्छा था, मतलब कैमरे के तरफ से Redmi बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए इस फोन ये फ़ोन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एक रहेगा 48 मेगापिक्सल का, एक रहेगा 13 मेगापिक्सल का और एक रहेगा 8 मेगापिक्सल का। 48 मेगापिक्सल जो कैमरा रहेगा वो रहेगा प्राइमरी सेंसर, जो सोनी के सेंसर उसमें इस्तेमाल किया जाएगा और उसका जो 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए, यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हम ज़्यादातर देखते थे सैमसंग के फ़ोन में ही मिलता था, अभी रेडमी में भी ये चीज़ चालू हो गया, यानी कि आप अगर ग्रुप में कोई फ़ोटो लेना चाहते हो या बहुत ही बड़े जगह को एक साथ कवर करना चाहते हो तो इसके लिए अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इसीलिए 13 मेगापिक्सल के एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर। और इसका तीसरा जो सेंसर रहेगा वो 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा रहेगा जिसमें आप बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट मोड ले सकते हो, यानी बुके इफेक्ट आप ले सकते हो, मतलब रियर कैमरे के लिए बहुत ही अच्छा होगा ये फ़ोन। और इसके जो फ्रंट में जो कैमरा आएगा वो पॉप आउट सेल्फी कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का, क्योंकि इस फ़ोन में देखा जाए तो कुछ भी डॉट नॉच वाटर ड्रॉप नॉच या कुछ पंच होल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें 100% उसका जो पॉप अप सेल्फी कैमरा आएगा और इसका जो कैमरा था रहेगा उसमें रहेगा 32 मेगापिक्सल का एक सेंसर, यानी कि आप अच्छा एक जो सेल्फी भी ले सकते हो इस फ़ोन में। तो ये चीज़ है इस फ़ोन में, मतलब कैमरा के तरफ से एक अच्छा चीज़ है, प्रोसेसर भी इसका अच्छा है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है और एक चीज़ है बैटरी 4000 mAh आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन में, मगर इसमें कुछ फास्ट चार्जिंग आएगा या नहीं आएगा, USB टाइप सी आएगा या नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं लगता है, मगर अब जब देखोगे Redmi Note 7 Pro में उसने USB टाइप सी दिया है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है, इस फ़ोन में भी लगता है फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी रहेगा और USB टाइप सी भी रहेगा। तो देखेंगे जब ये फ़ोन आएगा एक्चुअली ये रहेगा या नहीं रहेगा, मगर एक अच्छा चीज़ रहेगा वो है 3.5 mm जैक। ज़्यादातर फ़ोन में ये चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर Redmi इसको 3.5 mm जैक को रख दिया है, ये अच्छा चीज़ है क्योंकि बहुत से लोग हैं
जो गाना सुनना पसंद करते हैं, एफएम रेडियो सुनता है, तो उसके लिए ये 3.5mm जैक बहुत ही अच्छा है। तो इस फ़ोन के हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये फ़ोन देखने में अच्छा होगा, और इसका कुछ लुक कुछ Redmi Note 7 Pro की तरह ही रहेगा, मगर इसके जो कैमरा रहेगा वो पॉप आउट सेल्फी कैमरा रहेगा, तो ये एक अलग चीज़ आएगा। तो दोस्तों आप ये फ़ोन भी देख सकते हो आप अगर लेना चाहते हो, और इसका कीमत कुछ आ रहा है 16,000 या 17,000 ऐसा कुछ आ रहा है, मगर 16-17,000 में ये फ़ोन नहीं आएगा। ये फ़ोन क्योंकि ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें मिल रहा है, दूसरा एक है इसका प्रोसेसर को लेकर, इसका प्रोसेसर जो मिल रहा है वो 855 प्रोसेसर मिल रहा है। इस हिसाब से आप देखोगे तो इस फ़ोन को कुछ करीब करीब 17 के ऊपर यानी कि 18,000 से लेकर इसको इसका प्राइस आ सकते हैं, क्योंकि इसका जो लो वेरिएंट होगा उस वो कुछ 4GB 64GB का होगा, मिड वेरिएंट जो होगा वो 6GB 64GB का होगा, और 128GB और 8GB का भी एक वेरिएंट आएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये फ़ोन का कुछ 18,000 से लेकर 22,000 तक कीमत होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।